हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू योर हिंदी क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड अवर न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक हामिद खां द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ एस के पोटिकार सो अस स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर हामिद खां कहानी का घटनास्थल तक्षिला है जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया है लेखक एक दिन समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी समाचार पढ़ते हैं यह समाचार पढ़ते ही उन्हें हामिद खां का स्मरण हो आता है लेखक अपने मन में हामिद खां के प्रति सहानुभूति रखते हैं और ईश्वर से उनकी हिफाजत के लिए दुआ मांगते हैं इस घटना से दो साल पूर्व लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे लेखक ने वहाँ के परिवेश का चित्रांकन किया है वहाँ के बाजार की हस्तरेखाओं जैसी तंग गलियों का उन्होंने वर्णन किया है गंदगी का और भूख लगने पर होटल ढूंढने का भी जिक्र किया है वहां लेखक को एक दुकान नजर आई जहाँ चपातियां थी चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में प्रवेश किया वह दुकानदार से भोजन मिलने न मिलने के विषय में पूछताछ करते रहे उत्तर हाँ में मिलने पर वे खाना खाने के लिए बैठ गए इसी बीच लेखक के लिबास और हावभाव को देखने से दुकानदार को लेखक के हिंदू होने का संदेह हुआ और उसने लेखक से उनका परिचय पूछा आपस में थोड़ी सी बातचीत होने पर दुकानदार को पता चला कि लेखक हिंदू है अब चूंकि वह दुकान मुसलमान की थी इसलिए दुकानदार ने लेखक का भ्रम दूर कर देना मुनासिब समझा लेखक ने दुकानदार को बताया कि वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालाबार क्षेत्र का रहने वाला है दुकानदार ने पूछा कि क्या वह हिंदू है तब लेखक के हामी भरने पर उसने लेखक से पूछा कि क्या वे हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे लेखक ने हामी भरी और दुकानदार को मालाबार के होटलों के विषय में बताया क्यों नहीं हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं उस दुकानदार ने लेखक का अपने सर पर भव्य स्वागत करते हुए खाना खिलाया लेखक ने खाना खाकर रुपए दुकानदार की ओर बढ़ाए थोड़ी ना नुकर करने के बाद लेखक ने उसे रुपया लेने के लिए विवश कर ही दिया दुकानदार ने फिर लेखक के हाथ में पैसे लौटा कर कहा भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहें आप जब हिंदुस्तान वापस पहुँचें तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षिला के भाई हामिद को याद करें लेखक वहाँ से तक्षिला के खंडहरों की तरफ चले गए उसके बाद फिर उन्होंने कभी हामिद खां को नहीं देखा लेकिन हामिद खां की आवाज़ उनके साथ बिताए क्षणों की यादें उनके मन में ताज़ा हैं उनकी वह मुस्कान लेखक के दिल में बसी हुई है लेखक अखबार में सांप्रदायिक दंगे का समाचार पढ़कर भावुक हो जाते हैं उन्हें पुरानी बातों का स्मरण हो जाता है तथा वे अपने ये उद्भाव इन शब्दों में व्यक्त करते हैं तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था वह बची रहे मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ सांप्रदायिक सद्भाव उत्पन्न करने वाली यह कहानी छोटी होती हुई भी अत्यंत मार्मिक है यह कहानी सांप्रदायिक भेदभाव के उभरे निशान को मिटा डालने वाली कहानी है जो भारत के मौजूदा परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक है इस प्रकार यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू